भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टी20 मैच हार गई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के सामने 125 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे अफ्रीकी टीम ने 3 विकेट शेष रहते हुए हासिल कर लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव का बल्ले से फ्लॉप शो देखने को मिला। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में केवल वो 4 रन ही बना सके। सिमलेन ने सूर्य कुमार यादव का विकेट चटकाया। सेंट जॉर्ज पार्क में भारतीय मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से लड़खड़ा गया। तिलक वर्मा केवल 20 रन ही बना सके। अक्षर पटेल 27 रन बनाकर आउट हुए। वहीं रिंकू सिंह ने निराश किया, उन्होंने 11 गेंद पर 9 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया के साथ नहीं जाएंगे कप्तान रोहित शर्मा। पहले 2 टेस्ट मैच मिस कर सकते हैं रोहित। निजी कारणों की वजह से रोहित शर्मा शुरुआती 2 टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। सूत्रों ने जानकारी दी है कि निजी कारणों की वजह से रोहित शर्मा शुरुआती 2 टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। पर्थ में खेला जाएगा टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीसीबी के सूत्रों का कहना है कि भारत के साथ भविष्य में कोई आईसीसी इवेंट नहीं खेलेगा पाकिस्तान। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा न लेने की वजह से पाकिस्तान में बवाल बढ़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पीसीबी अब पाकिस्तान के कानून मंत्रालय के संपर्क में है। इस मामले में पीसीबी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में जाने की कर रहा है तैयारी। मुश्किल में चैंपियंस ट्रॉफी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर फैमिली के साथ विराट कोहली नजर आए। 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। बीजीटी सीरीज में फैंस को विराट कोहली से काफी उम्मीद है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विराट कोहली पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से मिली हार के बाद आर अश्विन का दर्द छलका है। सोशल मीडिया पर अश्विन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हार के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। अश्विन ने 3 मैचों की 6 पारियों में केवल 9 विकेट ही लिए थे। अश्विन ने अपने बयान में कहा, मिडिल ऑर्डर में मैंने नहीं दिया बल्ले से योगदान, गलत समय पर गंवाया अपना विकेट। पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पोंटिंग ने टीम इंडिया की कमजोरियों को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि विराट की खराब फॉर्म की वजह से भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार मिली। रिकी पोंटिंग ने कहा, विराट कोहली की खराब फॉर्म जल्द दूर होगी और वो फॉर्म में लौटेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट कोहली शतक लगा सकते हैं। खेल के महान खिलाड़ी हैं विराट कोहली। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 8 विकेट से हरा दिया। 22 साल बाद पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीती। पर्थ के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की पारी 140 रनों पर सिमट गई। पाकिस्तान ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैरिस रऊफ को मिला प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज का अवार्ड। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हैरिस ने 10 विकेट अपने नाम किए। विमेंस बिग बैश लीग में आया लिजेल ली का तूफान। 75 गेंद पर खेली 150 रनों की नाबाद पारी। विमेंस क्रिकेट में लिजेल ली ने रचा इतिहास। टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर बनी। विमेंस बिग बैश लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की ग्रेस हैरिस का नाम है। लिजेल ली ने ग्रेस हैरिस का रिकॉर्ड तोड़ा है। हैरिस ने नाबाद 137 रन बनाए थे। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला शारजाह के मैदान पर खेला जाएगा। दोनों टीमें 11 नवंबर को आमने सामने होंगी। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में अफगानिस्तान ने 92 रनों से जीत हासिल की थी। वहीं दूसरे मैच में बांग्लादेश ने जोरदार वापसी की और अफगानिस्तान को 68 रनों से मात दी।